गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज क्लास टू पार्ट तीन का नींद कहानी सुनाने जा रही बेटा, जिसके की रचयिता है शशि सबलोक। नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, पीलू ने जोर से कहा। एक पीलू छोटी सी बच्ची होती है बेटा, वह अपनी माँ के डर से चादर ओढ़ के सोने जा रही है कि शायद माँ उसको पढ़ने के लिए बोले, और इसी से वह नींद का बहाना करके सोने जा रहे थे और चादर में मुंह को घुसा लिया और पढ़ाई। माँ ने पूछा उससे, बड़े प्यार से पूछा, और बेटा पढ़ाई? मम्मी ने पूछा। वह, मैं नींद में कर लूँगी, बेटी ने जवाब दिया कि मैं उसको नींद में कर लूँगी। माँ, नींद में कैसे? माँ ने पूछा कि आप बेटा नींद में पढ़ाई कैसे कीजिएगा, आप बैठिए और अपनी पढ़ाई को पूरी कीजिए। बिस्तर से ही उसकी पुस्तकें उठाते हुए मम्मी ने कहा, हो जाती है मुझसे, नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो पढ़ाया सब कुछ पढ़ लेती हूँ। जो वो बच्ची होती है बेटा, पीलू नाम की जो लड़की होती है, वह अपनी मम्मी से बोलती है कि माँ, जो भी मैडम ने मुझे पढ़ाया है वह मैं नींद में ही पढ़ लेती हूँ, मुझे जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे बात भी तो मैं सोते सोते कर रही हूँ, मैं कहाँ जग रही हूँ। माँ, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो भी मैं नींद में ही कर रही हूँ, आप क्या सोच रही थी कि मैं जाग रही हूँ। वो जो बच्ची होती है वह अपनी माँ से बहुत ही प्यार से कहती है कि माँ, मैं सोते सोते ही अपनी पढ़ाई और सारा काम कर लेती हूँ। और होमवर्क बेटा? मम्मी ने फिर पूछा। वह भी हो जाएगा, मैंने कॉपी पास में रख ली है, मैं नींद में ही कर लूँगी। जब माँ ने उससे कहा कि बेटा आप अपना होमवर्क कैसे कीजिएगा, आप जग जाइए और अपने होमवर्क को पूरा कर लीजिए, तो उस छोटी सी नन्ही सी पीलू ने कहा कि नहीं माँ, मैं अपना होमवर्क भी सोते सोते ही कर लूँगी। तो माँ ने कहा, वह तो मैंने अपने पास कॉपी रख ली, मैं कर लूँ। वो बेटी फिर से कहती है कि नहीं माँ, मैंने कॉपी भी अपने बिस्तर के पास रख लिया है और मैं सोते सोते अपना सारा होमवर्क बना लूँगी, वह तो मैंने नींद में जाने से पहले खेल लिया था। चलो अच्छा है, अब मुझे नींद में ही मटर की कचौड़ी खा लेना। हाँ, फिर जब बेटी ने अपनी माँ को जवाब दिया कि मैं सारा चीज़, जैसे होमवर्क हुआ, खेलना हुआ, कहानियाँ हुआ, सारा मैं नींद में ही कर लेती हूँ, तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम कचौड़ी, मैंने कचौड़ी की कचौड़ियाँ बनाई हुई हैं और फ्रिज में मैंने आइसक्रीम भी रखा हुआ है, ठीक है तुम उसको नींद में ही खा लेना। तो पीलू झट से उठ जाती है और बोलती है, क्या माँ, क्या सारा चीज़ आप नींद में ही करवाइएगा? अगर आइसक्रीम कहीं पिघल गई तो मुझे ठंडी लग जाएगी। तो बेटा, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। जो भी होमवर्क है, जो भी आप लोग को होमवर्क मिलता है, जो भी काम मिलता है, उसको समय से करना चाहिए और अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 पढ़ाऊँगी।